हेलो एवरीवन, एजुकेटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति गौर और आज हम क्लास 9th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं, फिजिक्स का, दैट इज मोशन। देखिए ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है और ये 9th का सबसे पहला चैप्टर है फिजिक्स का, तो देयर इज अ रीजन, राइट। क्योंकि अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से नहीं किया या आपको अच्छे से समझ नहीं आया तो आपको आगे की जो फिजिक्स के चैप्टर हैं वो बिल्कुल समझ नहीं आएंगे। तो आप इसे बहुत अच्छे से कीजिएगा एंड काफी स्टूडेंट्स को इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आप इसे देखिए, हम बहुत ही प्रिसाइजली इसे करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज मोशन? देखिए आपको हर एक बेसिक से बेसिक डेफिनेशन में यहाँ करा के चलने वाली हूँ, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। बस आपके दिमाग में ना क्लैरिटी होनी चाहिए हर चीज के लिए, तो मोशन के लिए तो स्पेसिफिकली, क्योंकि साइंस इज ऑल अबाउट, जब तक आप उसे रिलेट नहीं करेंगे तो आपको क्लैरिटी कभी आएगी भी नहीं। तो देखिए जब भी मैं मोशन का नाम लूंगी सबके माइंड में एक चीज आएगी कि कोई चीज मूव कर रही है, राइट, समथिंग इज मूविंग। मोशन से हम सबके माइंड में बस यही आता है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन पे जाऊं, व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ अ मोशन? इट इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चेंज इन पोजीशन ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम मोशन बोल देते हैं। अब इसको हम प्रिसाइजली अगर पढ़े तो मोशन है क्या? मोशन क्या है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। अब देखिए सबसे पहले फिजिक्स में चैप्टर आया है तो मोशन को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए। क्यों हो जाता है? क्योंकि अपने आसपास कोई भी चीज को अगर आप देखोगे तो वो दो ही स्टेट में आपको दिखाई देंगी इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, आइदर दे विल बी इन मोशन और दे विल बी एट रेस्ट। ओके, अब मोशन का मतलब तो मुझे समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे, कि मोशन क्या है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी उसे पोजीशन चेंज करने में टाइम लग रहा है। लाइक सपोज एन ऑब्जेक्ट वॉज एट ए पे था कोई ऑब्जेक्ट और अब उसे बी पे जाना है, ठीक है, तो वो मूव करके यहाँ पे पहुंच गया। सो क्या किया उस ऑब्जेक्ट ने? मोशन, ठीक है, इट वाज मूविंग। नाउ सपोज अगर वो ऑब्जेक्ट ए पे ही रह रहा होता या रेस्ट कर रहा होता तो उसको हम क्या बोलते हैं? द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे आप बैठ के पढ़ रहे हैं और आप मूव नहीं कर रहे हैं, देन यू आर एट रेस्ट। आपका घर मूव नहीं कर रहा है यानी वो रेस्ट पे है, ठीक है। तो रेस्ट इज ऑल्सो नोन एज कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेशनरी पे है। दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये दोनों वर्ड्स मैं काफी यूज करने वाली हूँ इस चैप्टर में। अब देखिए मोशन की बात अगर मैं करूं आपसे तो मोशन क्या है? अब मोशन को, यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजिशन चेंज कर रहा है तो उसे टाइम लगेगा ही, ठीक है, क्योंकि हमारा टाइम इज ऑलवेज मूविंग, वी नो दैट। तो चाहे वो टाइम 0.001 सेकेंड्स लगे सिर्फ, बट टाइम कुछ ना कुछ लगेगा। दैट इज वाई हमेशा जो भी इस चैप्टर में होने वाली है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही होगी, ठीक है। इट इज अंडरस्टूड एंड वेरी बेसिक थिंग, बट हम बिल्कुल बेसिक से करने वाले हैं तो आपको मैं ये भी चीज बताने वाली हूँ। तो कोई भी चीज होगी इस पूरे चैप्टर में, टाइम कहीं नहीं जाने वाला है। टाइम को हम हमेशा यूज करेंगे इस चैप्टर में, चाहे कोई हम इक्वेशन निकाल रहे हो या फिर कोई एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हो या कोई डेफिनेशन ला रहे हो, सब में टाइम आएगा ही आएगा, ठीक है। तो मोशन की डेफिनेशन हमने देख ली, बट मोशन को पढ़ना जरूरी क्यों है? आप देखिए कि अपने आसपास आप जितनी भी चीजें ऑब्जर्व करेंगे ना वो मैक्सिमम मोशन में है। लाइक छोटी से छोटी चीज को भी अगर मैं काउंट करूं या सबसे बड़ी चीज को भी मैं काउंट करूं, सभी मोशन में है। नाउ लुक एट दीज एग्जांपल्स। जो अर्थ है हमारा, इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। रिवॉल्व्स यानी वो मूव कर रहा है अपनी पोजीशन, राइट, और उसी मूवमेंट की वजह से हमारे अर्थ पे डिफरेंट सीजन्स आते हैं, है ना। तो यानी मोशन तो हो रहा है और उसका इफेक्ट भी हमें दिखाई दे रहा है। यू कैन नॉट डायरेक्टली सी द मोशन ऑफ द अर्थ, बट आपको पता है कि इट इज मूविंग। कैसे पता है आपको कि सीजन्स बदल रहे हैं हमारे, ठीक है, इस तरह से आपको पता है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। ऐसे जो हमारा मून है, इट रिवॉल्व्स अराउंड दी अर्थ। मून सेम चीज क्या कर रहा है? सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। इससे भी हमें पता है मून डेली आता है। कैसे पता है मून रिवॉल्व कर रहा है? हमें रोज रात को दिखाई देता है है ना, तो हमें डायरेक्टली मून चलता हुआ थोड़ी दिखाई दे रहा है। तीसरा एग्जाम्पल, अर्थ जो है अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करता है, इसकी वजह से हमारा डे एंड नाइट होता है, तो ये भी क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ मोशन। इसके अलावा हम बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, ये देखो आपको रॉकेट दिख रहा है बिल्कुल, तो ये भी क्या है, मोशन है। इसके अलावा आप डेली मूविंग कार्स को देखते ही हैं, कार्स डेली मूव कर रही होती हैं, ये भी क्या है, मोशन है। तो कार मूव करना हो गया, तो दीज आर सम ऑफ द विजिबल मोशंस जो हमें दिखाई देते हैं। व्हाट अबाउट द इनविजिबल वंस, कुछ ऐसे मोशन भी होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो मूव नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, आप हमेशा अपनी बातों में ये लाते कि आज तो बहुत अच्छी हवाएं चल रही है, हवा चल रही है यानी मोशन में है, पर क्या आप उस हवा को चलते हुए देख सकते हैं? जी नहीं देख सकते। फिर आपको पता कैसे चलता है कि हवा चल रही है? यू फील इट, राइट, यू फील इट। या फिर आप किसी और ऑब्जेक्ट के मूव करने की वजह से बता सकते हैं कि हवा चल रही है, लाइक दिस ग्रास, ये ग्रास हिल रही है, पत्ते हिल रहे हैं, किसकी वजह से हिलेगा, ऑब्वियसली एयर की वजह से ना, तो ये भी क्या है, मोशन में है। तो हवा से लेके आप अगर बात करें वाटर तक, क्योंकि आपने वाटरफॉल्स देखा है ना, नदियां बहती रहती है, चलती रहती है कॉन्टिन्यूसली, बहुत सारी चीजें। अभी फोर्थ पिक्चर क्या है, फोर्थ पिक्चर है एटम की, जिसे आप अपने केमिस्ट्री में आगे इसी क्लास में आगे पढ़ेंगे, उसको हम जल्दी से कवर कराएंगे जरूर, ठीक है। एटम क्या होता है, तो एटम ना लाइक मैटर आप पढ़ चुके होंगे, सबसे पहला चैप्टर है हमारा मैटर, ठीक है। तो उसमें आपने देखा था कि पूरी यूनिवर्स हमारा मैटर से मिलके बना है, ठीक है। तो मैटर का ही जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसको हम एटम बोलते हैं। एटम के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आप अच्छे से पढ़ेंगे, बट लेट पर से कि अभी आप इतना समझिए कि एटम के अंदर एक चीज होती है इलेक्ट्रॉन नाम की, वो भी कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहती है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि आप छोटी से छोटी, मतलब पूरे यूनिवर्स का सबसे छोटा पार्ट ले लीजिए विच इज एटम, या फिर बड़े से बड़ा हमारे अर्थ का ले लीजिए यानी अर्थ इटसेल्फ, वो सभी क्या है, मोशन में है। सो नाउ यू कैन इमेजिन कि मोशन को पढ़ना हमारे लिए कितना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हर जगह तो मोशन ही है मैक्सिमम, है ना। चलिए अब इसके एग्जैक्ट डेफिनेशन, ऑल्दो आई हैव टोल्ड यू दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, ओके, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज CHANGE, चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन चेंज करता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो मोशन में है। नाउ यहाँ पे अगर आपने नोटिस किया हो तो एक वर्ड आया था पोजीशन। अभी पोजीशन का मतलब क्या होता है, लाइक अगर देखिए, अगर आपके माइंड में हर छोटे से छोटे वर्ड की क्लैरिटी नहीं है तो आप नहीं समझ पाएंगे किसी भी चीज को। अगर मैं पोजीशन का वर्ड लेती हूँ, अपने आपको बताती हूँ या पोजीशन नाम लेती हूँ, तो आपके इंस्टेंट दिमाग में क्लिक करना चाहिए भाई व्हाट एग्जैक्टली इज पोजीशन, मुझे पता है कि नहीं पता। एक वेग आइडिया होना ज्यादा जरूरी नहीं है, इन साइंस स्पेशली आपको प्रिसाइज होना पड़ता है, ठीक है, प्रिसाइज हम पढ़ेंगे। तो देखो पोजीशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, क्योंकि इसको मैं समझाऊंगी नहीं तो आगे बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, तो इसको भी हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज पोजीशन, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस सपोज यू आर एट योर होम, आप अपने घर पे हैं और आपके फेवरेट अंकल आपको मिलने आ रहे हैं या आंट, जो भी हैं आपके घर के फेवरेट जो कजिन्स हैं वो आपसे मिलने आ रहे हैं, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए, अगर उन्हें बताओगे कि आपका घर कहाँ है, लेट सपोज कि वो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं आपके घर पे, आपने बिल्कुल नया नया बहुत ही अच्छा घर बनाया है, तो वो आपका घर देखने आ रहे हैं और आपसे बातें करने आ रहे हैं, तो आप उन्हें क्या बताएंगे कि आपका घर कहाँ है? मैं कह दूं कि मेरा घर 10 किलोमीटर दूर है, विल दैट बी सफिशिएंट? इतना बताने से कि आपका कजन आपके घर पहुंच जाएगा या जाएगी? नहीं पहुंच पाएगा, राइट। तो यानी कि आपको ये तो बताना पड़ेगा, वो आप फिर वो आप कहोगे मेरा घर 10 किलोमीटर दूर है, वो आपको डांट लगाएगा, अरे भाई कहाँ से 10 किलोमीटर दूर है ये तो बता, वो बेचारा थक हार के आया है, और आप उसके साथ वर्ड प्ले खेल रहे हो, तो उसे गुस्सा आ जाएगा, तो वो पूछेगा मुझे पहले ये बताओ मेरा घर है कि तुम्हारा घर किस चीज से 10 किलोमीटर दूर है, राइट, किस चीज से। सो लेट्स से अगर वो रेलवे स्टेशन से आ रहा है तो वो कहेगा, आप कहोगे जी रेलवे स्टेशन से मेरा घर 10 किलोमीटर दूर है, ठीक है, रेलवे स्टेशन ले लीजिए, एयरपोर्ट ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। So now this railway station, आपने क्या किया, अपने घर की पोजीशन बताई, ठीक है। पोजीशन क्या है, लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि लोकेशन एग्जैक्टली पोजीशन यानी लोकेशन है कहाँ ऑब्जेक्ट की। तो आपने घर की लोकेशन आपने बताई रेलवे स्टेशन की मदद से, ठीक है। और आपने क्या बोला, मेरा घर रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ से आता है हमारा पोजीशन को डिफाइन करने के लिए जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज मुझे चाहिए, दैट इज द रेफरेंस पॉइंट। ये हो गया रेफरेंस पॉइंट। सो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट होता है कि जिस भी चीज से आप डिस्टेंस मेजर करते हो। 10 किलोमीटर था, किस से, रेलवे स्टेशन से। तो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए आप एक रेफरेंस पॉइंट का जब इस्तेमाल करते हो, यानी रेफरेंस पॉइंट इज दी रेफरेंस पॉइंट वो जगह होती है या वो प्लेस होती है जहां से आप डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो, ठीक है। तो रेलवे स्टेशन यहाँ पे क्या है, रेफरेंस पॉइंट। अगर मैं कहती मेरा घर एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर दूर है, तो मैं क्या बोलती, एयरपोर्ट इज द रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट यानी जिस भी चीज से आपको डिस्टेंस मेजर करना हो। अब मैं ऐसे कह दूं कि दिस इज 10 किलोमीटर, ठीक है, ये 10 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, ओके, ये 10 किलोमीटर दूर है। तो रेलवे स्टेशन इज रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। या फिर आप रेफरेंस पॉइंट कैसे देखो, लैंडमार्क जैसे होता है। आपके घर कोई भी आ रहा होता है कुरियर वाला, या फिर आपको कोई पार्सल आ रहा होता है, तो आप उसे एक रेफरेंस पॉइंट जरूर बताते हो, लैंडमार्क जरूर बताते हो कि जी आप यहाँ पे आ जाओ, हमारे यहाँ की एक पार्क है बिल्कुल पास में, या फिर एक कैफे है और आप वहां से ले लेना। तो दैट कैफे, दैट पार्क विल बी द लैंडमार्क और द रेफरेंस पॉइंट, जिसकी मदद से आप एक ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजिशन बता रहे हो, राइट। सो नाउ सब, अब इतना कहने से काम चल जाएगा कि मेरा घर रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर है, जी नहीं, फिर से नहीं। वाई, कि आपको बताना तो पड़ेगा कि भाई रेलवे स्टेशन से आपका घर ईस्ट में है, वेस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, या साउथ में है, या फिर साउथ ईस्ट में है, कहीं भी हो सकता है, डायरेक्शन अलग हो सकते हैं ना। तो यानी कि वो कहेगा कि भाई रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर तो दूर है। वो और गुस्से में आ जाता है, वो कहता है कि भाई रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर है, लेकिन कहाँ आऊं मैं, किस डायरेक्शन में जाऊं। तो आप कहते हो, ओहो, ये तो बताना ही भूल गए कि रेलवे स्टेशन से मेरा घर ईस्ट में है, ठीक है, तो तुम भैया ईस्ट में आ जाओ। सो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजिशन बताने के लिए दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है वो आता है डायरेक्शन का, ठीक है। डायरेक्शन इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता रहे हो तो। यानी कि मैं जब भी आपको पोजीशन की बात करूंगी, तो पोजीशन से आपके दिमाग में इंस्टेंट आना चाहिए कि पोजीशन यानी लोकेशन। और लोकेशन में कैसे बता सकती हूँ, दो चीजों की जरूरत मदद से, दैट इज रेफरेंस पॉइंट एंड द डायरेक्शन। नाउ सी, रेफरेंस पॉइंट इज द लोकेशन फ्रॉम वेयर द डिस्टेंस इज मेजर्ड। तो रेफरेंस पॉइंट वो लोकेशन है, वो पॉइंट है जहां से डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज इज द सेंस ऑफ डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में आना है, रेफरेंस पॉइंट की किस डायरेक्शन में आना है, ताकि आप पोजीशन बता पाओ। नाउ फॉर ऑल द क्रिकेट फैंस, आई हैव दिस थिंग, सी व्हेनेवर वी डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी हैव टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन अलॉन्ग विद द रेफरेंस पॉइंट। लेट मी चेंज द कलर। आपको क्या बताना होता है, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा डायरेक्शन एंड रेफरेंस पॉइंट। लेट अस सपोज दिस इज विराट कोहली एंड इनके और स्टंप्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 20 मीटर्स का, ठीक है। तो अगर आपको विराट कोहली की पोजीशन बतानी है तो आप क्या बताओगे कि विराट इज 20 मीटर वेस्ट फ्रॉम द स्टंप्स, कि स्टंप्स से 20 मीटर वेस्ट है। नाउ स्टंप्स विल बी द रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। स्टंप क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट। वेस्ट डायरेक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, एंड मेरे पास क्या आ जाएगी, विराट की एग्जैक्ट पोजीशन आ जाएगी, ओके। मतलब नॉट एग्जैक्टली, छोटी मोटी और कोई चीज हमें ऐड करनी पड़ेगी, बट मेन चीजें, ये दोनों चीजें तो मुझे बतानी ही पड़ती हैं। आई होप दैट इज क्लियर। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब ये चीजें क्या होती हैं, देखिए मान लीजिए आप, दिस इज पॉइंट ए, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। या अगर मैं कहूं कि ये पॉइंट ए है, ए पॉइंट है, एंड दिस इज पॉइंट बी, और आपको ए से बी पे जाना है, तो ए से बी पे जाने के क्या सिर्फ एक ही रास्ता होगा? आई डोंट थिंक सो, राइट। आपके घर तक पहुंचने के भी हजारों रास्ते हो सकते हैं, हजारों पाथ हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं अगर कह रही हूँ कि मुझे ए से बी पे जाना है तो व्हाट कैन बी द पॉसिबल पाथ्स। तो एक तो कि मैं बिल्कुल डायरेक्टली पहुंच जाऊं ए से लेके बी तक, ठीक है। एक हो सकता है मैं ऐसे कहूँ कि भाई मैं घूम के जाऊंगी, मेरे को थोड़ा मार्केट में बीच में सामान लेना है शॉप पे से, और फिर मैं घूम के पहुंच जाऊंगी यहाँ पे बी पे। अगर मैं डायरेक्टली जा रही हूँ तो ए से बी पे तो जो डायरेक्टली डिस्टेंस है वो मेरा है 20 मीटर्स, और अगर मैं घूम के जा रही हूँ शॉप से होके जा रही हूँ तो वो मेरा है 40 मीटर्स का डिस्टेंस। अब आप मुझे बताओ इनमें से मैं किसी एक ही पाथ पे चल सकती हूँ, है ना, ऐसा तो है नहीं कि दोनों पाथ पे एक साथ चल सकूं, राइट। तो जिस भी पाथ को मैं कवर कर रही हूँ एग्जैक्टली, ठीक है, जिस भी पाथ पे मैं चल रही हूँ उसको मैं क्या बोलूंगी, जितना जो भी पाथ मैं कवर कर रही हूँ उसको मैं क्या बोलूंगी, दैट इज माई डिस्टेंस, कि मैंने इतना डिस्टेंस कवर किया है। लेट अस सपोज अगर मैं इस डायरेक्ट वाले पाथ पे जा रही हूँ 20 मीटर वाले पाथ पे, so I will say कि I have covered 20 meters, ठीक है। अपनी पोजीशन चेंज करते हुए या मूव करते हुए मैंने 20 मीटर्स अपना जो पाथ है वो कवर किया है, यानी 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। अब आपने कवर किया है ये डायरेक्ट वाला पाथ, तो आप ये नहीं कह सकते जी मैंने 40 मीटर कवर कर दिया, नहीं, ऑब्वियसली 40 मीटर है एक और रास्ता, लेकिन मैंने वो कवर नहीं किया तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने इतना डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस क्या होगा, इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जो एक्चुअली पाथ ले रहा है उसकी लेंथ को ही हम डिस्टेंस कहते हैं। एंड लेट अस सपोज मैं अगर ये 40 मीटर वाला करती, इस पे चल के आती ए से लेके बी तक, तो मेरा डिस्टेंस कितना हो जाता, 40 मीटर, राइट। सिंपल, आई होप दैट इज क्लियर। नाउ डिस्प्लेसमेंट, इसको पहले हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे बताते हैं। नाउ सी, आपका घर है यहाँ पे, दिस इज योर होम, ओके, ये आपका घर है, ये आपका घर है, ठीक है। अब दो रास्ते हैं इसको जाने के लिए। एक रास्ता ये है कि आप यहां से पहले इस ट्री तक पहुंचो, और इस ट्री से, क्योंकि इस ट्री पे थोड़े मैंगोज लगे हुए थे और ये बच्चे जिद कर रहे हैं कि भाई हमें पापा मैंगो दिलाओ, ये ब्लू कलर के मैंगो है, इट्स ओके, आई डोंट वांट टू चेंज माय कलर। और फिर वो ये वाला डिस्टेंस कवर करे और फिर अपने घर पे पहुंचे, है ना। और एक होता है हमारा शॉर्टकट, वो कहेंगे अरे घर पे मैंगोज रखे हैं बहुत सारे, मैं तुम्हें बाद में ला दूंगा, तो पापा उन्हें डायरेक्टली लेके चले जाते हैं। दूसरा रास्ता मेरा ये है, ठीक है। सो पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस मैंने बताया था जिस पाथ पे वो एक्चुअली चले हैं, यानी पहले वो अगर इस पाथ पे चले हैं, ठीक है, पहले एक ट्री से दूसरे ट्री पे, तो उन्होंने 4 मीटर कवर किया, यस, और पूरा घर पहुंचने तक उन्होंने 3 मीटर्स और कवर किया। सो व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस विल बी द 7 मीटर्स, कि 7 मीटर उन्होंने एक्चुअली कवर किया है। बट जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, कि एक पोजीशन, मतलब एक जगह तक पहुंचने के लिए जो सबसे शॉर्टेस्ट रूट होगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि देखो, चाहे मैं घूम के कान सीधे हाथ से सीधा पकड़ लो या घुमा के पकड़ लो, अल्टीमेटली पकड़ तुम कान ही रहे हो, लेकिन अपने कान को पकड़ने का जो सबसे छोटा तरीका है वो है सीधा पकड़ने का, ठीक है। तो सेम ऐसे ही जो चाहे मैं चलूं इन दोनों पाथ्स पे, मैंने डिस्टेंस कवर किया 7 मीटर, बट व्हाट विल बी द शॉर्टेस्ट रूट। शॉर्टेस्ट रूट होगा कि आप डायरेक्टली इस पेड़ से अपने घर पे पहुंच जाएं, यानी आप ये वाला डिस्टेंस कवर करें 5 मीटर वाला। अब ये 5 मीटर आया कैसे है, ये तो आपको मान लीजिए 5 मीटर था। सो डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 मीटर्स, ओके। नाउ व्हाई 5 मीटर, देखो असल में तो आप सिर्फ इतना ही मूव किए हो ना, इस पोजीशन से आपको घर तक पहुंचना था। डिस्टेंस आपने भले ही ज्यादा कवर किया हो, लेकिन एक्चुअली जो शॉर्टेस्ट रूट हो सकता था पॉसिबल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकता था, आपने जो अपनी पोजीशन डिस्प्लेस की है, अपने पोजीशन से जो हिले हो, वो इस पोजीशन से अल्टीमेटली इस पोजीशन पे पहुंचे हो, ठीक है। पोजीशन ए से आप पोजीशन बी पे पहुंचे हो, इफ दिस इज ए पोजीशन एंड दिस इज पोजीशन बी, तो आप डायरेक्टली सिर्फ इस पे पहुंचे हो, है ना। तो जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो शॉर्टेस्ट रूट होता है, ठीक है, कि आपने एग्जैक्टली अपनी पोजीशन बदली कितनी है असली में, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल आप देख लो, ए पोजीशन से आप बी पोजीशन पे पहुंचे, ठीक है, और बी से आप गए सी पे। ये था 2 मीटर्स का, ये था 3 मीटर्स का। तो आप पहले क्या किया, आपकी बुक में भी ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल है, ए से बी तक गए और फिर बी से सी पे गए। तो डिस्टेंस की मैं बात करूं तो आपका हो गया है अभी तक 5। फिर आपने क्या किया, आपको कुछ याद आया कि आप कोई सामान भूल गए थे, तो आप बी पे वापस आ गए, ठीक है। तो अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं, जो डिस्टेंस होगा मेरा वो कितना होगा, डिस्टेंस होगा मेरा 2 + 3 + 2 3 ठीक है, कि आप A से लेके B तक यानी 2, B से लेके C तक यानी 3 और C से लेके फिर से B तक यानी 3, तो आपका कितना हो गया 8 मीटर डिस्टेंस हो गया। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो आपकी पहली इनिशियल पोजीशन क्या थी, A, मतलब जहां से शुरुआत की थी, इनिशियल होता है यानी स्टार्टिंग की पोजीशन, ठीक है, इनिशियल पोजीशन। और फाइनल पोजीशन होती है कि पूरी जर्नी खत्म करने के बाद आप फाइनली हो कहाँ, तो आप फाइनली B पे हो, दिस इज द फाइनल पोजीशन, ठीक है, ये हमारी फाइनल पोजीशन है। तो फाइनल पोजीशन ये है, A है, और इनिशियल पोजीशन क्या थी, इनिशियल पोजीशन सॉरी A है और फाइनल पोजीशन क्या है, B है। तो आपके एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट कितनी है, सिर्फ 2 मीटर्स की, ठीक है। तो जो डिस्टेंस होता है इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच का, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। नाउ सी, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन and the final position of the body along with the direction. Obviously direction is important, कि आप किसी डायरेक्शन में ही मूव करोगे, डिस्टेंस में डायरेक्शन मैटर नहीं करता, डिस्टेंस आप कहीं से भी कवर कर सकते हो, क्योंकि आपको वो पूरे पाथ की लेंथ चाहिए, है ना, पूरे पाथ की लेंथ चाहिए, तो डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन की नीड नहीं होती। लेकिन आप डिस्प्लेस कर रहे हो, अपनी जगह से कितना एग्जैक्टली मूव कर रहे हो वो आपको डायरेक्शन के सेंस में बताना होता है, तो इसमें नो डायरेक्शन, ठीक है, और इसमें डायरेक्शन चाहिए होता है। एंड दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें डायरेक्शन होता है, जिसमें डायरेक्शन नहीं होता, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ इन दोनों पे मैं बाद में फिर से आऊंगी, लेकिन अभी जितना हमने पढ़ा है उस बेसिस पे जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, जिसका मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, जिसकी हम न्यूमेरिकल वैल्यू बता सकते हैं, ठीक है, तो इसके न्यूमेरिकल वैल्यू ही होता है और कोई डायरेक्शन नहीं होता डिस्टेंस का। डिस्टेंस के लिए मुझे कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं चाहिए, क्योंकि आप चाहे ईस्ट में कोई डिस्टेंस कवर करो या वेस्ट में कवर करो, अगर ये 20 मीटर यहाँ है और ये 20 मीटर यहाँ है, तो आप सिर्फ ये कहोगे कि जी मैंने 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, आपको डायरेक्शन नहीं बताना है। तो डिस्टेंस अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं उनमें से एक स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस। स्पीड हम आगे पढ़ेंगे प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट। तो आपको बताना होगा कि अगर आप A से लेके B तक का कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट बता रहे हो, तो आपको बताना पड़ेगा कि आप ईस्ट में जा रहे हो, 20 मीटर ईस्ट अगर मैं कहूँ, यानी वो 20 मीटर मूव डिस्प्लेस किया है इन द ईस्टर्न डायरेक्शन, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। नाउ वेलोसिटी इज ऑल्सो अनदर वेक्टर क्वांटिटी, बट वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। तो वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी, इसमें मैं फिर से आऊंगी। तो अगर आपको याद करना है, स्केलर S से स्केलर, S से स्पीड, तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, V से वेक्टर एंड V से वेलोसिटी, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। आप ऐसे याद कीजिए, आसानी से हो जाएगा आपको। नेक्स्ट, देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू नाउ। सचिन कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक विद रेडियस इन 2 मिनट्स, ठीक है, इसकी रेडियस दी हुई है आपको, और आपको इसका डिस्टेंस निकालना है 6 मिनट्स में, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट निकालनी है 6 मिनट्स में। ये आपका होमवर्क रहेगा और आपको ये कवर करना है। मैं इसको और अच्छे से समझा देती हूँ। एक सर्कुलर पार्क है, ठीक है, चलो पहले इसको हम एक रेक्टेंगल से सॉल्व करते हैं। नाउ लेट अस सपोज कि एक रेक्टेंगुलर पार्क था, उसकी लेंथ थी 6 मीटर्स और ब्रेथ थी 4 मीटर्स। तो अब मैं कह रही हूँ कि वो जो सचिन है वो काफी हेल्दी रहना चाहते हैं, वो तो रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो ट्रैक है उनका और वो रनिंग कर रहे हैं। तो अब आप मुझे बताओ कि ट्रैक है तो वो पहले इस ट्रैक पे चलेंगे, फिर सेकंड इस पे, ये रेक्टेंगल है तो ये भी 6 होगा और ये रेक्टेंगल है तो ये भी 4 होगा, ठीक है, फिर इस पे, और अल्टीमेटली ए पोजीशन पे वापस आ जाएंगे। तो आप मुझे बताओ कि डिस्टेंस इनका कितना होगा पहले राउंड में, अगर उन्होंने 1 राउंड कवर किया, यानी ए से चले थे वो और ए पे ही घूम के फिर से आ गए, तो डिस्टेंस कितना हो गया इनका, डिस्टेंस हो गया 6 + 4 + 6 + 4, दैट मीन्स कितना हो गया 20 मीटर्स इज द डिस्टेंस। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज इनिशियल पोजीशन में से, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कितना डिफरेंस है। सो इनिशियल पोजीशन को हम U से डिनोट करते हैं, U इज द इनिशियल पोजीशन एंड V इज द फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो अगर आपको बताना हो कि कितनी डिस्प्लेसमेंट होती है तो हम v माइनस यू यानी फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देते हैं, हमारी डिस्प्लेसमेंट आती है। अब आप मुझे बताओ वो a से ही स्टार्ट हुआ था और घूम फिर के वो वहीं पे आ गया, ठीक है। तो a पे तो उसने 0 मीटर डिस्टेंस कवर किया हुआ था, अभी तो कुछ नहीं था, फिर 6 क्या, ये क्या, वो क्या, पूरा इनिशियल और फाइनल पोजिशन तो एक ही चीज हो गई, यानी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई 0। तो इससे हमें पता चला कि डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस है कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है लेकिन डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता। उसका रीजन है डिस्टेंस एक्चुअल पाथ है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। नाउ लेट अस सपोज इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही हो गई तो उसने तो कोई डिस्टेंस कवर ही नहीं किया, है ना। तो यानी डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, दिस कैन बी आस्क्ड। अब इन्होंने कहा है कि 6 मिनट बाद, इसका एक आंसर तो हमें अभी पता चल गया, चाहे कोई सा भी पार्क हो, सर्कुलर पार्क हो चाहे कैसा भी पार्क हो। तो देखो सचिन ने कंप्लीट किया 1 राउंड एक सर्कुलर ट्रैक का। अब जो आप कवर कर रहे हो राउंड तो उसमें यानी सर्कमफेरेंस निकालनी है और सर्कमफेरेंस होती है सर्कल की 2 पाई r। ये आपका होमवर्क रहेगा, बस मैं आपको ओवरव्यू बता रही हूँ इसका। तो आपको 6 मिनट में डिस्टेंस बताना है इसका, ये मैं होमवर्क दे रही हूँ आपको। अगर आपको सॉल्व नहीं हुआ तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ये सॉल्व करा दूंगी। ओके सो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे जो एक्चुअली बुक में आपके दिए हुए हैं। आज जो था हमने सिर्फ ओवरव्यू देखा था और जो इम्पोर्टेंट रिलेटेड टर्म्स थी वो देखी थी। सो आई होप आपको ये क्लास बहुत पसंद आई। तो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच।